आज मैं आपको दो कलर की बलेरो जैकेट बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। एक क्रोशिया है। इससे पहले हम चैन बनाना शुरू करेंगे। 10 चैन बनानी है। एक चैन बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 चैन है। छोटी लग रही है तो दो और बना सकते हैं हम। दो और बना लेती हूँ मैं। 12 कर लिया मैंने। आप अपने कान्हा जी के हिसाब से बनाएं। 12 चैन करने के बाद 2 चैन लेनी है हमें और। ये 14 चैन होगी है। इसके बाद हमें तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। 1, 2 इस तरह 12 डबल क्रोशिया बनाने। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैं दोबारा 2 चैन लें और इसको टर्न करें। अब हर एक के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया और बनाना है। इस तरह मुझे 4 लाइनें बनानी है। मैंने पहले ग्रीन कलर का बनाना शुरू किया था, लेकिन मैं अभी एक क्रीम और ऑरेंज कलर का बना रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन कलर अच्छा नहीं लगा। 12 के ऊपर 12 4 लाइनें बनानी है हमें। इस तरह 4 लाइनें बना के दिखाती हूँ मैं। हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए दूसरी लाइन है। इसके बाद 2 लाइनें और बनानी है। 4 लाइनें बनानी है। मैं 4 लाइनें आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने 4 लाइन बना ली है। 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया। अब 2 चैन लेके हमें टर्न करना है। टर्न करके हमें पहला डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे के अंदर हमें एक बाई डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2 साइड से हमें एक एक छोड़ने हैं। बाकी हमारे 10 रह जाएंगे। 10 में से हमने 1, 2, 3 बारी डबल क्रोशिया बनाए और टर्न किया। ये हमें बद्दी बनानी है। बीच के छोड़ देने हैं 4। एक ये वाला छोड़ के 1, 2, 3 ये बना के बीच के 4 छोड़ देने हैं हमें। अब हमें इसे टर्न करना है। इसकी हमें 3 के ऊपर हमें 8 लाइनें बनानी है डबल क्रोशिया। कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। ये हमारी 8 लाइन हो गई है। दूसरी लाइन है। 8 लाइन बनानी है अब हमें 3 के ऊपर। मैं ये 8 लाइनें बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 2 लाइन हो गई है। ये 2 चैन ले है। बस साइड में एक घटाया था और कुछ नहीं घटाना। 8 लाइनें ऐसे ही बनानी है हमें, 3 के ऊपर 3। ये देखिए मैं इस तरह बनाती हूँ। इधर दूसरी साइड भी इसी तरह बनाना है। 1 छोड़ के 3 के ऊपर 8 लाइनें। 2 बत्ती ऐसे बनानी है हमें। ये देखिए ये इस तरह हो गई है। पहले मैंने 12 चैन ली थी। 12 के ऊपर 4 लाइनें की, फिर एक एक साइड में छोड़ के 3-3 फंदों के ऊपर मैंने 8 बारी डबल क्रोशिया किया है। 2 बत्ती बना ली है। बीच में 4 फंदे छोड़े हैं। अब हमें यहाँ पे 8वीं लाइन के बाद 4 चैन लेनी है। 1, 2, 3, 4 चैन लेके जो दूसरी वाली बद्दी है यहाँ पे हमें जोड़ना है इसको। यहाँ से इसके ऊपर बनाना है हमें। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ये हमारे 3 बन गए हैं। 2 चैन लेके वापस टर्न करना है और इसको हमें 4 लाइनें दोबारा बनानी है। ये 4 जो चैन लिए इसके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3-3 साइड में और 4 बीच में हो जाएंगे 4 के ऊपर। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। 2, 3 और ये चैन के अंदर हर एक में एक एक बारी बनाना है। 4 चैन ली थी हमने बीच में। इनके ऊपर एक एक बारी बनाना है। 1
दो चार, ये हमारे चार के ऊपर चार डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये तीन के ऊपर तीन बनाने हैं। देखिए इस तरह ये हमारे 10 हो जाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह हमने जैसे ये शुरू में चार लाइन बनाई थी, इसी तरह हमें यहाँ पे भी चार लाइनें बनानी है। ये हमारी चार लाइन बन गई है। ये इस तरह हो गई है हमारी जैकेट दोनों साइड पर। देखिए ये इस तरह है। और यहाँ से ऊन कट कर लेंगे और ऑरेंज कलर की ऊन जोड़ेंगे यहाँ से हम। ये देखिए अब हमें किंगरी करनी है चारों तरफ। यहाँ से ये ऊन जोड़ते हैं स्लिप स्टिच से और दो चैन लें और हर एक में स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से जोड़ते जाएं, एक एक छोड़ के। दो चैन लेनी है, किसी भी तरह किंगरी बना सकते हैं। मैंने दो चैन लेके हर एक के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है, एक दो, और यहाँ पे जोड़ा है इसको okay. एक अभी तो यहाँ पे साइड में है ना, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, हर एक के अंदर लेना है एक एक बारी सिंगल क्रोशिया। दो चैन लेनी है और हमें एक दो, और यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया। एक दो, ये देखिए ऐसे पूरे में हमें यहाँ तक पूरा बनाना है, अंदर की साइड भी बनाना है गले पे। ये पूरी किंगरी हो जाएगी। मैं आपको बना के दिखाती हूँ दो दो चैन लेके। एक दो, इस तरह ये पूरी लाइन बनानी है हमें यहाँ तक। ये ऐसे किंगरी बन गई है, ये ऐसे डबल बनेगी खाना दीदी। ये मैंने चारों तरफ किंगरी बनाई है। अब इसके अंदर भी इसी तरह बना रही है, यहाँ से कोने से जोड़नी है। आप कोई भी तरीके की बना सकते हैं, मैंने सिंपल बनाई है एकदम। एक दो, यहाँ जोड़े से सिंगल क्रोशिया से। एक दो, अगर थोड़ा टाइट लगे तो पहले जोड़ लें, नहीं तो एक एक छोड़ के भी जोड़ सकते हैं आप इसको। एक दो चैन लें और यहाँ पे जोड़ें सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह जोड़ते हुए हमें पूरा यहाँ तक लाना है। ये इस तरह बन गया है। अब हमें इसको ऐसे बनाना है। आप चाहे तो साइड से सिल सकते हैं या डोरी डाल सकते हैं। मैं डोरी डालूँगी इसमें, या ऐसे सिलाई भी कर सकते हैं, या ऐसे पोच की तरह भी बना सकते हैं आप इसको, किसी भी तरह बना सकते हैं। इसके लिए हमें मैजिक सर्कल बनाना है, डोरी बनाने के लिए। मैं डोरी बनाना सिखाती हूँ। मैजिक सर्कल बनाने के लिए हमें जाते हैं, दो चैन लेनी है पहले। एक दो चैन बना के और इसके अंदर से हमें मैजिक सर्कल के अंदर से 8 या 10 बारी डबल क्रोशिया बनाना है, फूल बनाना है छोटा सा। आपको फूल बनाना पहले भी सिखा चुकी हूँ। इसके अंदर से डबल क्रोशिया बनाना है हमें 10 बारी। दो तीन, 10 बारी डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें चैन बनाना है। देखिए ऐसे मैंने ये बना रखा है। ये देखिए ये फूल बन गया है। इसके ऊपर से मैंने चैन बनाई है। ये चैन हमें इसके अंदर डालनी है। फिर ये थोड़ी दूर से ऊन कट कर लें क्योंकि हो सकता है छोटा भी रह जाए। देखिए वहाँ से इधर से ये चैन डालनी है हमने, ये बनाया इसके अंदर से। और ये चैन इधर से लेनी है हमें। ये देखिए फूल बनाती है, मैंने चैन बनाई है। अभी ऊन कट नहीं किया है ताकि छोटी रह जाए, तो फिर बना ले तो फूल बनाएंगे दूसरी साइड भी। ये देखिए
ये ऐसी चैन बन गई है। ये चैन बनानी है हमें, यहाँ पे भी छोटी है, थोड़ी चैन को और बढ़ाना है, फिर लास्ट में फुल बनाना है। यहाँ पे वो मैजिक सर्कल बनाएगा, ये फूल बन गया है। जैसे हमें इसकी तरह ये फूल बनाना है, लंबी ये करके चैन करके, और लास्ट वाले में से हमें 10 बारी बनानी है। एक ही चैन के अंदर 10 बारी डबल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, हमें सर्कल बनाना है दो चैन के। इधर से हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है इसको, ये छोटा सर्कल बन जाएगा। फिर सर्कल के अंदर से हमें 10 बारी बनाना है, जैसे हमने उधर सर्कल बनाया था ऐसे इधर बनाना है। ऐसे इसी तरह हमें फूल बनाना है दूसरी साइड भी, दोनों साइड फूल बन जाएगा। ये ऐसे डोरी लग जाएगी, ऐसी डोरी हमें इधर की साइड भी लगानी है। दोनों साइड डोरी लगाने के बाद ये देखिए ये फूल बन गया है। ये चैन बनाने के बाद दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही फूल बनाना है, और इधर की साइड भी ऐसे एक डोरी लगानी है। इसको हम टाइट ऐसे खींच के टाइट भी कर सकते हैं, दोनों साइड डोरी बना के। ये कान्हा जी को पहनाए, पोछू की तरह भी बना सकते हैं और जबले की तरह भी, और इसको जैकेट भी कर सकते हैं।